जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम गुजरात के जगत मंदिर चार धामों में से एक धाम यानी कि द्वारिकाधीश की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमको द्वारिका मंदिर कैसे पहुंचना है, वहां रुकने की क्या व्यवस्था है, भोजन की वहां क्या व्यवस्था है, हमको द्वारिका मंदिर के साथ साथ और कहां कहां घूमना है, और अंत में ये भी जानेंगे कि हमको द्वारका का कुल खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक समझते हैं जिससे आपको द्वारका जाने के लिए काफी सहूलियत मिल जाए। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि हम द्वारका कैसे पहुंचे। दोस्तों द्वारका आने के लिए आपके पास तीन मार्ग है। पहले मार्ग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो द्वारका में ही आपका रेलवे स्टेशन है। आपके शहरों से अगर द्वारका के लिए ट्रेन है तो आप द्वारका पहुंच सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी द्वारका तक की ट्रेन नहीं मिलती है तो फिर आपको आना पड़ेगा राजकोट। दोस्तों राजकोट जंक्शन है जहां से आपको द्वारका के लिए ढेर सारी आपको ट्रेन मिल जाएंगी। तो अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप राजकोट आकर भी द्वारका पहुंच सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं सबसे बड़ी शहर की बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका अहमदाबाद। आपको अहमदाबाद पहुंचना पड़ेगा और अहमदाबाद से भी आपको डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएंगी द्वारका आने के लिए। तो ये था दोस्तों आपका ट्रेन का ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका बाई रोड। दोस्तों अगर मैं रोड से अगर आप आते हैं तो आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आप अहमदाबाद राजकोट होते हुए आप द्वारका तो पहुंच सकते हैं। अगर वही अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अगर आप बस से आ रहे हैं तो भी आप अहमदाबाद पहुंचकर भी बहुत सारी आपको डायरेक्ट द्वारका के लिए बसेस मिल जाएंगी जो कि आपको 8 से 10 घंटे में द्वारका पहुंचा देंगी। तो आप अहमदाबाद से भी बस अपनी ले सकते हैं या फिर आप राजकोट से भी आपको बस मिल जाएगी। और तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका फ्लाइट से। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं और आपका माध्यम फ्लाइट है तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है दोस्तों वो है आपका पोरबंदर। दोस्तों आप पोरबंदर आकर द्वारका आ सकते हैं। पोरबंदर से द्वारका का जो दूरी है वो 100 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। तो आप पोरबंदर से या तो आप बाई ट्रेन द्वारका चले जाइए या फिर आप टैक्सी हायर करके या फिर बस से भी आप द्वारका पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये था आपका कि हमको द्वारका कैसे पहुंचना है। चलिए दोस्तों अब हम द्वारका पहुंच चुके हैं। द्वारका पहुंचने के बाद अब हमको करना है दर्शन। दोस्तों दर्शन करने से पहले आपको और भी कुछ चीजें करने हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मंदिर के ठीक पीछे आपका एक बना हुआ है गोमती घाट। दोस्तों गोमती घाट में स्नान करने के बाद ही मंदिर में द्वारकाधीश का दर्शन करना शुभ माना जाता है। तो आप पहले गोमती घाट में स्नान करिए, उसके बाद हम द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए बढ़ेंगे। दोस्तों गोमती घाट में आपको स्नान इसलिए करना होता है क्योंकि यहाँ पे गोमती नदी और समुद्र का मिलाप होता है, यानी कि यहाँ पे इन दोनों का संगम है। तो इसलिए इस संगम में आपको स्नान करना अति आवश्यक है। और गोमती घाट में ही दोस्तों गोमती माता का मंदिर बना हुआ है, तो उस मंदिर में आप दर्शन करना ना भूलिएगा। वहां दर्शन करिए। और यहाँ पे अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं तो आप वहां भी जाके दर्शन कर सकते हैं। छोटे छोटे आपके बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम द्वारकाधीश के दर्शन की तरफ। जय श्री कृष्ण का जाप करते हुए नारे लगाते हुए हम मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर में भी आपके दो द्वार है, एक है आपका मोक्ष द्वार, दूसरा है आपका स्वर्ग द्वार। हमको मुख्य द्वार से जाना है यानी कि स्वर्ग द्वार से हमको प्रवेश करना है। दोस्तों मंदिर परिसर के अंदर आपको मोबाइल कैमरा, अगर आप कार से आए हैं तो उसकी चाबी, ये सब आपको वर्जित है। तो इन सब को आप मंदिर पे ही बना हुआ है एक लॉकर जो कि फ्री ऑफ सर्विस है, तो वहां पे आप अपने रख दीजिए। वहां पे आपको टोकन दिया जाएगा, वो टोकन प्राप्त करके आप मंदिर परिसर में प्रवेश करिए। जैसे कृष्णा का नारा लगाते हुए हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं और प्रभु श्री कृष्ण का हम दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और जय श्री कृष्णा का जाप करते हुए हम मंदिर परिसर से बाहर आते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर में अनेक छोटे छोटे और मंदिर हैं जो कि श्री कृष्ण के अर्धांगिनी हुआ करती थी, जैसे कि रुक्मणी माता का मंदिर, राधा जी का मंदिर, जामवती माता का मंदिर। तो इन सारे मंदिर में भी आप दर्शन कर लीजिए जो कि मंदिर परिसर के आसपास ही हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद आप इन मंदिर को भी जरूर विजिट करिएगा। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मंदिर में दो टाइम मेन आरती होती है। एक होती है सुबह की आपकी 6 बजे और दूसरा होता है संध्या 6:30 बजे। तो दोस्तों आपको अगर आरती में सम्मिलित होना है तो इन दोनों टाइम के हिसाब से आप 1-1.5 घंटे पहले ही मंदिर में प्रवेश कर जाइए ताकि आप आरती में सम्मिलित होकर द्वारकाधीश का यानी कि प्रभु श्री कृष्ण का आप दर्शन कर सकते हैं और उनके आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमको अब द्वारका में रुकना कहाँ है। दोस्तों यहाँ पे रुकने के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ जो कि सबसे सस्ता है, वो है आपका धर्मशाला। मंदिर परिसर के आसपास ही आप रुकिए, बहुत सारे आपको धर्मशालाएं और बहुत सारे आपको होटल देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जो भी धर्मशालाएं हैं वहाँ पे आप जाके रुक सकते हैं। अगर मैं चार्जेस की बात करूँ दोस्तों, 300 रुपए से चालू होकर आपको 500 रुपए तक के एक से धर्मशाले, अच्छे फैसिलिटी वाले धर्मशाले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपका बजट कम है तो आप धर्मशाला में बिल्कुल रुक सकते हैं, ढेर सारे धर्मशाला उपलब्ध है मंदिर के आसपास ही। चलिए दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, वो है आपका गेस्ट हाउस। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, तो आप अगर गेस्ट हाउस में रुकना चाहते हैं तो वहाँ गेस्ट हाउस में भी आप रुक सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों, तो आपको 500 से 700 रुपए आपको पड़ता है नॉन एसी का। तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं अगर आप मंदिर ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में रुकना चाहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका प्राइवेट होटल।
दोस्तों वहां पे मंदिर परिसर के आसपास ढेर सारे आपको प्राइवेट होटल भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप प्राइवेट होटल में भी रुक सकते हैं और उनका जो चार्ज होता है 24 घंटे का वो होता है आपका 500 से 1000 रुपए तक। इस रेंज में आपको ढेर सारे होटल मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं आगे कि हमको अब भोजन कहां करना है और भोजन करने की क्या क्या व्यवस्थाएं द्वारका में की गई है। भोजन करने की भी दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक भोजन प्रसादालय है, तो वहां पे आप भोजन प्रसादालय में जाकर 20 रुपए में भरपेट आप खाना खा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 11 बजे से 2 बजे तक आपका एक टाइम स्लॉट में आपको यहाँ पे भोजन मिलता है और दूसरा जो स्लॉट है वो आपका शाम को 6 बजे से रात के 9:30 बजे तक दिया जाता है। तो दोस्तों ये दो टाइम स्लॉट में भोजन मिलता है, तो आप वहां जाके अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको 20 रुपए में भरपेट खाना चाहिए तो आप मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये फैसिलिटी काफी अच्छी है, तो एक बार आप वहां जाके जरूर भोजन करिएगा। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका बाहर का रेस्टोरेंट या फिर प्राइवेट होटल। दोस्तों वहां पे बहुत सारे रेस्टोरेंट बहुत सारे भोजनालय बने हुए हैं, तो वहां भी आप जाके कर सकते हैं। थाली कॉस्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों 50-60 रुपए से थाली स्टार्ट हो जाती है और ये 150 रुपए तक थाली जाती है। जिस हिसाब से आप अपना थाली चाहते हैं वहां पे वो हर प्रकार की थाली आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों हमारे भोजन करने की व्यवस्था। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हमको द्वारका कब आना चाहिए, सबसे अच्छा और उचित समय कौन सा है और हमको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों अगर मैं द्वारका में आने की बात करूं तो यहां पे आपके पास विंटर का समय सबसे बेस्ट है, जहां पे भीड़ बिल्कुल नहीं होती है और आप शांत मन से कम भीड़ में प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन आप आराम से कर लेंगे। यानी कि नवंबर से लेकर जो फरवरी और मार्च तक का जो टाइम स्लॉट है, ये टाइम स्लॉट आपके लिए बेस्ट है। अगर आप भीड़ नहीं चाहते हैं और आप शांत मन से दर्शन करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको द्वारका में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों द्वारका में आपके लिए 2 दिन पर्याप्त है घूमने के लिए, तो अगर आप 2 दिन स्टे बनाते हैं तो पहले दिन तो आप प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन करिए और दूसरे दिन हम जाएंगे द्वारका के आसपास जो भी विजिटिंग प्लेस है वहां हम जाएंगे। तो 2 दिन आपके लिए पर्याप्त है पूरे द्वारका को घूमने के लिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको द्वारका में और कहां कहां घूमना है और हमारा माध्यम क्या होगा इन सारे जगहों को घूमने के लिए। सबसे पहले स्थान की मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका पंचनंदा तीर्थ। दोस्तों पंचनंदा तीर्थ जो है वो आपका मंदिर परिसर के ठीक पीछे जो गोमती घाट था वही गोमती घाट से आपका एक बना हुआ है सुदामा सेतु। दोस्तों सुदामा सेतु एक ब्रिज है जो कि एक केबल ब्रिज बना हुआ है, तो इसके माध्यम से आपको गोमती घाट के उस पार जाना है और इस ब्रिज से गुजरने के लिए आपको पहले यहाँ पे लेना पड़ेगा एंट्रेंस टिकट जो कि 10 रुपए चार्ज है एडल्ट का और बच्चों का है 5 रुपए। तो आप टिकट कटवा लीजिए और हम सुदामा सेतु होते हुए हम जाएंगे पंचनंदा तीर्थ। दोस्तों पंचनंदा तीर्थ में हमको जाके सबसे पहले 5 कुंडों के जल का स्वाद लेना है। दोस्तों पंचनंदा तीर्थ में टोटल 5 कुंड है, 5 पांडवों के नाम पे 5 कुंड बनाए गए हैं और हर एक कुंड में जो जल का स्वाद है वो मीठा स्वाद है और मीठा स्वाद होने के साथ साथ सारे कुंड के जो जल है उन सब का स्वाद अलग अलग भी है। तो एक बार आप जाके 5 कुंड में जल का स्वाद जरूर लीजिएगा जो कि मीठा स्वाद आपको मिलेगा। दोस्तों वहीं पे पंचनंदा तीर के पास ही वहां पे एक है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, तो दोस्तों आप लक्ष्मी नारायण जी के भी दर्शन करिए, वहां मंदिर में जाइए, वहां मत्थे टेकिए और कुछ समय आप वहां भी बिताइए। दोस्तों इस मंदिर परिसर में ही आपको एक खूबसूरत और एक बेहद शानदार आपको पेड़ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वही पेड़ है जहां पे दुर्वासा मुनि बैठकर तप किया करते थे और इस पेड़ की जो खूबसूरती है वो काफी लाजवाब है। तो यहां पे दोस्तों आप एक बार जरूर जाइएगा और यहां का दृश्य और नजारा देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम वापस सुदामा सेतु होते हुए मंदिर परिसर के पास आते हैं और हम निकलते हैं द्वारका टूर के लिए, यानी कि और कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे हमको जाना चाहिए। चलिए दोस्तों निकलने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारा माध्यम क्या होगा इन सारे जगहों को घूमने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन का। पहला तो ये कि वहाँ पे ढेर सारे बसेस हैं, तो आप बस में 100 रुपए का आप टिकट कटवा लीजिए प्रति व्यक्ति और वो बस आपको जो भी 3 से 4 स्पॉट है वो सारा घुमाकर आपको मंदिर परिसर में वापस छोड़ देगी। पर बस वाले थोड़ा सा समय आपको कम देते हैं, वो जिस भी जगह लेके जाते हैं वो वहां से आपको जल्दी बुलाकर अगले स्थान के लिए रवानगी कर देते हैं, यानी कि आपको समय कम मिलता है घूमने फिरने के लिए। तो मैं ये बोलूंगा कि आप यहाँ पे ऑटो कर लीजिए। दोस्तों ऑटो वाला आपसे 700-800 रुपए में गाड़ी बुक कर लेगा और वो सारी जगहों को घुमाकर वापस मंदिर परिसर में छोड़ देगा। चलिए दोस्तों अब हम निकलते हैं अपने यात्रा की तरफ। सबसे पहला स्थान है दोस्तों आपका गोपी तालाब। दोस्तों ये वही तालाब है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला खेला करते थे। तो यहाँ पे जाके जरूर एक बार आप स्नान करिएगा क्योंकि यहाँ का स्नान पवित्र माना जाता है, तो अपने साथ आप कपड़े भी लेके चलिए ताकि आप गोपी तालाब में स्नान कर सके। दोस्तों गोपी तालाब के पास में ही है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर। मंदिर परिसर के अंदर भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग है, तो यहाँ पे आप दर्शन करिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम आगे प्रस्थान करते हैं। दोस्तों अगला है आपका रुक्मणी माता का मंदिर। दोस्तों रुक्मणी माता का मंदिर काफी सुंदर है, तो आप यहाँ भी जाके रुक्मणी माता का दर्शन करिए और कुछ समय आप यहाँ भी दीजिए। चलिए दोस्तों आखिरी स्थान की बात करते हैं, वो है आपका भेंट द्वारका। दोस्तों भेंट द्वारका हमारे द्वारकाधीश मंदिर से टोटल 30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, तो आप भेंट द्वारका जाइए और भेंट द्वारका में जाने के लिए आपको लेना पड़ेगा बोट, क्योंकि भेंट द्वारका दोस्तों समुद्र के बीच में एक टापू बना हुआ है, उसी को हम भेंट द्वारका कहते हैं। दोस्तों इस जगह को भेंट द्वारका इसलिए कहा गया है, प्रभु श्री कृष्ण के जो मित्र थे सुदामा वो पहली बार इसी जगह पे इनसे मुलाकात किए थे, इसलिए इस जगह का नाम भेंट द्वारका रखा गया है। दोस्तों भेंट द्वारका में आप
पहुंच चुके हैं, अब हमको लेना है बोट। दोस्तों बोट वाला आपका 10 रुपए पर पर्सन लेगा और वो आपको भेट द्वारका लेके जाएगा। दोस्तों 5 किलोमीटर की ये दूरी रहती है तो 15 से 20 मिनट लगते हैं। आप बोट में बैठिए, बोट का आनंद लीजिए और भेट द्वारका जाइए। दोस्तों भेट द्वारका हम पहुंच चुके हैं। अब भेट द्वारका में उतरने के बाद हमको 1 किलोमीटर अब और पैदल आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैदल भी जा सकते हैं या फिर आप ऑटो करके भी जा सकते हैं। ऑटो वाला आपका 10 रुपए पर व्यक्ति लेगा क्योंकि आपको भेट द्वारका तक लेके जाएगा। दोस्तों भेट द्वारका में कुल 5 मंदिर है। पहले तो आपको दर्शन करना है प्रभु श्री कृष्ण के मंदिर, दूसरा है आपका सत्यभामा मंदिर, तीसरा है आपका राधा जी का मंदिर, चौथा है आपका जामवंती माता का मंदिर और पांचवा है रुक्मणी माता का मंदिर। दोस्तों ये सारे मंदिर जो है आसपास में ही है तो आप भेट द्वारका में जाके इन सारे मंदिर का आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आपको इन 5 मंदिर का दर्शन करने के लिए आपको मोबाइल कैमरा को अलाउ नहीं है। तो वहाँ पे बना हुआ है फ्री लॉकर, तो वहाँ पे आप अपने लॉकर पे मोबाइल कैमरा रख दीजिए और सारे मंदिर को दर्शन करिए और दर्शन होने के बाद आप अपने कैमरे मोबाइल वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट थे जो कि आपको द्वारका में घूमना है। चलिए दोस्तों अगली बात कर और आखिरी बात करते हैं कि अब हमारा द्वारका आने के लिए कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं पूरी द्वारका को घूमने के लिए तो आपका पर पर्सन 1500 से 2000 रुपए कुल खर्चा आपको लग जाएगा, जो कि पर्याप्त है आपको पूरे द्वारका घूमने के लिए। दोस्तों इस खर्चे में मैंने आपके किसी भी तरीके की ट्रेन की टिकट, आपके फ्लाइट की टिकट, आपके बस की टिकट को ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ द्वारका में होने वाले खर्च को मैं इंक्लूड किया हूँ। वो आपका 1500 से 2000 रुपए में आप आराम से पूरे द्वारका को घूम लेंगे और 2 दिन का ये सफर आपका रहेगा। दोस्तों इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टा आईडी यात्रावश में विजिट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स डेफिनेटली मिलेगा जो भी आपको क्वेरी होगी। और मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली यात्रा आप किस जगह का चाहते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। आपकी यात्रा मंगलमय हो।